नवंबर 2019 में विश्व ओलंपिक एसोसिएशन ने किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अपने नाम के साथ प्रत्यय के रूप में ओलंपियन ओले के उपयोग की अनुमति दी है? तो इसका उत्तर होगा एमसी मैरी काम। और यहाँ पर अब जो है एमसी मैरी काम अब अपने नाम के साथ में ओलंपियन जोड़ सकती हैं। आपको पता होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं कि किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जब वो प्रत्यय लगता है तो हालांकि वो कभी कभी शब्द के अर्थ भी बदलते हैं, तो यहाँ पर जो है हालांकि शब्द के अर्थ बदलने का कोई सवाल नहीं है। एमसी मैरी काम जो है एक खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज हैं, ये अपने नाम के साथ में OLY जोड़ सकती हैं। 21 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को ओलंपिक बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2019-2020 हेतु मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 सदस्यीय खिलाड़ियों के दूत समूह में शामिल किया गया है? तो इसका भी उत्तर होगा एमसी मैरी काम। और एमसी मैरी काम इसमें एशियाई मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करेंगी। और नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2019 को किस देश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि दुबई में है, में केन्या को पराजित कर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 के लिए पहली बार अर्हता प्राप्त की है? तो यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी इसका उत्तर होगा। पापुआ न्यू गिनी ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में केन्या को पराजित करके ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 के लिए योग्यता हासिल कर ली है। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर लिया है। 21 अक्टूबर 2019 को डगलस आइल ऑफ मैन में संपन्न FIDEchess.com ग्रैंड्स स्विस टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा हरिका द्रोणावल्ली। 25 अक्टूबर 2019 को संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का खिताब चौथी बार किसने जीता है? तो चौथी बार जीता है कर्नाटक ने। 19 अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2019 के सातवें संस्करण के फाइनल मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स टीम ने किसे पराजित कर पहली बार खिताब जीता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दबंग दिल्ली। अक्टूबर 2019 में आयोजित आईबा यानी कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसको आप AIBA कहते हो, में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता और इसी के साथ वह महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 8 पदक जीतने वाली विश्व की पहला मुक्केबाज बन गई हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल स्तर पर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और इसका नाम सभी लोग जान सकते हैं कि एमसी मैरी कॉम ही हो सकती हैं। 19 अक्टूबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध तीसरे टेस्ट मैच में किस बल्लेबाज ने एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज के सिमरान हेटमायर के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इनका उत्तर होगा रोहित शर्मा। इन्होंने 19 छक्के लगाए हैं और इस उपलब्धि के साथ में रोहित शर्मा ने सिमरान हेटमायर का, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर। हाल ही में चीन के हांगझाऊ में जो कि 2022 में होने वाली एशियाई खेलों में लंबे अंतराल के बाद किस खेल की वापसी हुई है? तो जो कि एशियाई खेल जो कि 2022 में चीन के हांगझाऊ में होगा, वहां पर अब जो है शतरंज को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2020 में टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों के शुभंकर क्या हैं? तो इसके शुभंकर हैं, टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर हैं मिराई तोवा, और वहीं पर पैरा ओलंपिक के शुभंकर हैं सोमाइटी। और नेक्स्ट है कि 30 सितंबर 2019 को कतर की राजधानी दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो इनका उत्तर होगा अनु रानी, जिन्होंने 62 मीटर 34 सेंटीमीटर की प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुँचकर 8वां स्थान हासिल किया है। 29 सितंबर 2019 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कतर की राजधानी दोहा में जो कि संपन्न हुई, इसमें 100 मीटर रेस के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टियन कोलमैन, जो कि अमेरिका से हैं। 29 सितंबर 2019 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला वर्ग की 100 मीटर रेस का खिताब किसने जीता? तो जमैका की सेली अनफ्रेजर, इन्होंने इस खिताब को जीता है, जो कि 100 मीटर की रेस प्रतिस्पर्धा थी। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो नाको मोतो हासी को चुना गया है, जो कि जापान से हैं। और 25 सितंबर 2019 को किस पूर्व भारतीय एथलीट को विश्व एथलेटिक्स महासंघ के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा PT ऊषा। PT ऊषा को वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 24 सितंबर 2019 को कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 ओवर लगातार मेडन फेंकने वाली
पहली भारतीय गेंदबाज बनी है? तो दीप्ति शर्मा इसका उत्तर होगा। दीप्ति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए मैच में तीन ओवर लगातार मेडन फेंकने की उपलब्धि हासिल की है। 21 सितंबर 2019 को AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो उसका उत्तर होगा अमित पंघाल। और सितंबर 2019 में कजाखस्तान में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा दीपक पुनिया। 21 सितंबर 2019 को IBSF विश्व सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2019 में पुरुष वर्ग का किताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मण रावत। सितंबर 2019 में संपन्न दलीप ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा इंडिया रेड। इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हरा करके दलीप ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है। 19 सितंबर 2019 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी? तो इसका उत्तर होगा विनेश फोगाट। 14 सितंबर 2019 को हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया है। 3 सितंबर 2019 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा मिताली राज। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है, जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो पराजित रहा है। अगस्त 2019 में अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार करके पहले दिव्यांग एशियाई तैराक कौन बने हैं? तो उसका उत्तर होगा सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि भारत से हैं। अगस्त 2019 में किस भारतीय को एशियाई एथलेटिक्स संघ के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो उसका उत्तर होगा PT ऊषा। अगस्त 2019 में संपन्न अमेरिकी जिमनास्ट चैंपियनशिप का खिताब 6 बार जीतने वाली महिला जिमनास्ट कौन बनी है? तो सिमोन बाइल्स, इन्होंने 6 बार इस खिताब को जीता है। 8 अगस्त 2019 को किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो इसका उत्तर होगा हाशिम अमला। जुलाई 2019 में रिपब्लिक ऑफ कजाखस्तान प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो इसका उत्तर होगा शिव थापा। जुलाई 2019 में कौन भारतीय एथलीट 5 स्वर्ण पदक जीत कर चर्चा में रही? तो इसका उत्तर होगा हिमा दास। और अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि 18 जुलाई 2019 को संपन्न जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन भाटी। तो देखिए, इस सवाल के साथ में खेल जगत के जितने भी वीडियो थे वो 3 पार्ट में डिस्कस कर दिया गया है, और वीडियो का जो लिंक होगा या पूरा का पूरा वीडियो आपको ऊपर आई बटन है वहाँ पर मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट के माध्यम से भी मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जा सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके एग्जाम स्टडी XC, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से वीडियो तक जा सकते हैं।